तो भाई लोग कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जिन लोगों के पास जियो सिम कार्ड है उन लोगों को मालूम ही हुआ कि जो आप लोगों ने 99 रुपीज़ की जियो प्राइम मेंबरशिप ली थी उसको हमें एक्सटेंड करना होगा। 20 तारीख तक आप उसको एक्सटेंड कर सकते। तो जिन लोगों ने जियो प्राइम मेंबरशिप को एक्सटेंड किया है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जियो प्राइम मेंबरशिप को एक्सटेंड नहीं किया, तो वो लोग इस वीडियो को देखने के बाद अपने जियो प्राइम मेंबरशिप को एक्सटेंड कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं अपना हमारा चैनल। तो आइए शुरू करेंगे। तो भाई लोग मैं आपको बता देता हूँ कि 20 तारीख के अंदर अंदर जो जियो प्राइम मेंबरशिप है उसको हमें एक्सटेंड करना होगा। अगर हम उसको एक्सटेंड नहीं कर पाते तो शायद हमें और 99 रुपीज़ चार्जेस देना पड़ेगा, या जियो जो डेट दिया है 20 तारीख को एक्सटेंड कर देगा। तो आप डरने की कोई बात नहीं, अभी मैं इस वीडियो के अंदर जो स्टेप बताऊंगा उसको फॉलो करो और जो जियो प्राइम मेंबरशिप है 99 रुपीज़ की उसको फ्री में एक्सटेंड करो। तो सबसे पहले आपको माय जियो एप्लीकेशन में जाना होगा। तो भाई लोग जैसे ही आप अपना जियो एप्लीकेशन ओपन करोगे तो यहाँ पर कुछ लिख कर आएगा। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि कॉन्ग्रेचुलेशन एक्सटेंड जियो प्राइम फॉर अ ईयर फ्री। उसके लिए हमें गेट नाउ पर हमें क्लिक करना होगा। उसके बाद जितने भी नंबर आपके यहाँ से लिंक है वो यहाँ पर शो होंगे। उसके बाद हमें प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। और भाई लोग आपको बता दूं कि जो जियो प्राइम मेंबरशिप है वो जियो ने एक साल के लिए मुफ्त कर दी है। मतलब एक साल के लिए हम कुछ भी 99 रुपीज़ का हमें रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा। एक साल तक हम जियो प्राइम मेंबरशिप को यूज़ कर सकते। उसके लिए हमें कौन से भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। तो आप ये स्टेप कर दो, आपकी जियो प्राइम मेंबरशिप एक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको मैसेज दिखाई देगा कि जो आपकी मेंबरशिप है सक्सेसफुल एक्टिवेट हो चुकी है। उसके बाद एक या दो घंटे बाद आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा आपके मोबाइल के अंदर। भाई लोग उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।